आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही डिलीशियस बनाना पैनकेक की रेसिपी, जो बच्चों की तो बहुत फेवरेट होती है। और आज हम इसे बनाएंगे स्ट्रॉबेरी और बनाना फिलिंग के साथ में, जो सबको बहुत पसंद आने वाली है। और इसे सिर्फ 10 मिनट में बनाकर हम तैयार करेंगे। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं बनाना पैनकेक्स। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। बनाना पैनकेक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने हाफ कप जो है वो मिल्क लिया हुआ है, रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ, और 1/4 चम्मच मैंने पिसी हुई चीनी ली है, 1 कप मैंने मैदा लिया है और 1 बनाना लिया है। तो सबसे पहले हम एक मिक्सर जार ले लेते हैं और बनाना को पील कर इसमें डाल देते हैं। आज सारी चीज़ों को हम मिक्सर जार में ही ब्लेंड करके इसका मिक्सचर तैयार करेंगे बनाना पैनकेक का। तो सबसे पहले मैंने बनाना को पील करके इसको पीसेस में तोड़कर इसमें डाल दिया है मिक्सचर जार में। और अब साथ में ही मैं इसमें 1/2 कप दूध डाल रही हूँ। दूध बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ ही लेना है। और 1/4 चम्मच इसमें मैं पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ। आप नॉर्मल चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम मिक्सर जार में इसको ब्लेंड करने वाले हैं। तो अब इसको पहले ब्लेंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इन तीनों चीज़ों को ब्लेंड कर लिया है, चीनी, दूध और केले को। तो इस तरह से इसका मिक्सचर जो है वो तैयार हो जाएगा, लिक्विड मिक्सचर। तो अब इसके साथ में ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच हनी। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है बनाना पैनकेक्स में। और अगर आप नहीं डालना चाहते, आपको हनी का टेस्ट पसंद नहीं है, तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। और साथ में ही मैं इसको पहले थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। और 1 चम्मच मैं इसमें डालूँगी कंडेंस मिल्क। इससे जो है पैनकेक्स में और भी अच्छा टेस्ट आएगा। इसका बैटर जो है वो बिल्कुल केक की तरह ही तैयार होता है, बस थोड़ा सा लिक्विड ही रहता है, क्योंकि हम पैनकेक्स बनाने वाले हैं। तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने। अब हम जो ड्राई इसके इंग्रेडिएंट्स हैं उसको पहले एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया है, इसे मैं एक बड़े बाउल में पहले छानूंगी। तो यहाँ बड़ा बाउल ले लिया है और साथ में ही मैंने इसमें एक छन्नी रख दी है, जिसकी हेल्प से हम इसको छान लेते हैं। और इसमें डाल रही हूँ 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा और 1/2 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर और 1 पिंच सॉल्ट। अब सभी चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे। अगर आपको मेरी बनाई गई रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें। और मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ पर देखिए, मैदे को मैंने अच्छे से छान लिया है। अब जो हमने मिक्सर जार में केले और चीनी और दूध का मिक्सचर बनाया था, उसमें हम इस मैदे वाले मिक्सचर को डाल देंगे, ड्राई इन्ग्रीडियंट्स को, और इसको फिर से ब्लेंड करेंगे। आज हम यहाँ कोई हैंड ब्लेंडर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ना कोई विस्कर का यूज़ कर रहे हैं। आज हम मिक्सी की हेल्प लेके और मिक्सर जार में ही सारी चीज़ों को मिक्स कर बनाना पैनकेक जो है बना रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है, बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। सिर्फ 1 से 2 बार आपको मिक्सी को चलाना है और बहुत अच्छे से जो है मिक्सचर अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। अब इसको एक बड़े बाउल में मैं निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने बड़े बाउल में इसको शिफ्ट कर लिया है मिक्सर जार में से। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच वनीला एसेंस और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, मिक्सर जो तैयार हो गया है पैनकेक बनाने के लिए। ये स्पून मैंने लिया है पैनकेक बनाने के लिए, कोई भी चम्मच आप या कोई भी बड़ा स्पून जो है आप सेट कर सकते हैं मिक्सचर पोर करने के लिए। तो चलिए पैनकेक बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने नॉनस्टिक जो है वो तवा ले लिया है। आप कोई भी मोटे तले का तवा भी ले सकते हैं, जिससे कि पैनकेक जो है ईजीली बन जाए। तो यहाँ पर मैंने नॉनस्टिक तवे का यूज़ किया है। तो 1 चम्मच भर के मैंने इस पर और थोड़ा सा मैंने उसके ऊपर इस और डाला है। अब इसको हम जो है हल्का सा इस तरह से फैला लेंगे। ज़्यादा बड़े हमें पैनकेक्स नहीं बनाने हैं, छोटे छोटे पैनकेक्स बनाने हैं। और थोड़ा सा इसको कवर करके हमें कुक करना है। जैसे ही एक साइड में बबल्स आ जाएं, आप इसको पलट दीजिए। तो यहाँ देखिए, मैंने इसको पलट लिया था, एक साइड से ही अच्छे से पक गया है, हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब दूसरी तरफ से भी इसको पलट लेते हैं। सिर्फ 3 से 4 मिनट लगते हैं इसको कुक होने के लिए, और आपके पैनकेक्स जो है वो बनकर रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए, कितना अच्छा कलर आया है पैनकेक पे। इसको अब हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में और
और दूसरा पैनकेक भी इसी तरह से मैं तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए दूसरा पैनकेक भी जो है वो मेरा रेडी हो गया है। दोनों तरफ से उलट पलट कर मैंने इसको पका लिया है, तो इसको भी प्लेट में निकाल लेते हैं। तो अब पैनकेक्स को मैं आपको असेंबल करके दिखाती हूँ, क्योंकि मैं इसके अंदर फ्रूट की फिलिंग कर रही हूँ, तो मैं बनाना और स्ट्रॉबेरी की फिलिंग कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे सिंपल भी रख के खा सकते हैं, मेपल सिरप के साथ में या हनी के साथ में और फ्रूट के साथ में ही इसका कॉम्बिनेशन जो है बहुत अच्छा जाता है, और ये बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट है। और आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी इसको दे सकते हैं, बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट है ये बच्चों के लिए। तो इसको फिल कर लेते हैं, जो जो अंदर वाली साइड है हम उस पर इसकी फिलिंग लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं बनाना और स्ट्रॉबेरी की फिलिंग लगा रही हूँ, आप चाहें तो एक ही फ्रूट की फिलिंग भी लगा सकते हैं, आप बनाना के साथ भी सर्व कर सकते हैं खाली इसको, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो रहता है। तो यहाँ पर देखिए एक साइड में मैंने बनाना के पीसेस लगा दिए, पतले स्लाइसेस मैंने कट किए हैं बनाना के, और स्ट्रॉबेरी के भी मैंने स्लाइस कट करके रख लिए हैं। एक साइड में मैं स्ट्रॉबेरी लगा रही हूँ, और अब इस पर थोड़ा सा मैं शहद डालूँगी, हनी। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद नहीं करते तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, जैसे बच्चों को तो बहुत पसंद आएगा ये सब चीज़ें, तो आप बच्चों को ज़रूर दें ये, क्योंकि हनी जो होता है वो हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पर देखिए एक पैनकेक जो है वो मैंने अच्छे से फिल कर लिया है, और दूसरे पैनकेक को उसके ऊपर रख देना है। तो ये पूरा हमारा एक पैनकेक जो है वो फिलिंग इसमें मैंने भर कर तैयार कर लिया है। इसी तरह मैंने सारे पैनकेक्स जो हैं वो तैयार कर लिए थे, इनके ऊपर भी मैंने बनाना और स्ट्रॉबेरी से इसको गार्निश किया है, और थोड़ा सा मैंने हनी डाल दिया इसके ऊपर। आप चाहें तो बच्चों की बर्थडे पार्टीज़ में भी आप इस तरह से बच्चों को सर्व कर सकते हैं, बहुत पसंद आएंगे सबको। तो लीजिए तैयार हैं हमारे बहुत ही डिलीशियस से बनाना पैनकेक्स, और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं ये। अब आप भी अपने घर पर जल्दी से इसको ट्राई कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए, और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मैं इसी तरह नई नई रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी आपके लिए, और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।